राजस्थान से भागकर आए जोड़े को अगवा करके 12 लाख की फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। यह घटना सदर थाने के तहत हुई है। सदर पुलिस ने अपहरण और हफ्ता वसूली का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सैम और मोहम्मद समीर खान को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ ही जिशान सुल्तान और आरिफ फरार है। अपहृत युवक मुल्तान राजस्थान के नागौर का निवासी है। वह हैदराबाद के एक होटल में काम करता है और उसके 8 साल से राजस्थान की एक युवती से प्रेम संबंध थे। 2021 में युवक ट्रेन से नागपुर आया था। उस वक्त यात्रा के दौरान उसकी सैम से पहचान हुई। सैम ने युवक को बताया कि वह प्रेमी जोड़ो का अंतर्जातीय विवाह करवा कर देता है। सैम ने युवक को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। कुछ दिन पहले युवक राजस्थान स्थित अपने गांव गया था। वहां उसने प्रेमिका से मुलाकात की। उसने शादी करने के लिए प्रेमिका को नागपुर चलने के लिए कहा और उसने सैम से संपर्क किया। 11 अगस्त को युवक अपनी प्रेमिका के साथ माउंट आबू पहुंचा और वहां से अहमदाबाद होते हुए नागपुर आया। यहां पहुंचकर उसने सैम से संपर्क किया। 22 अगस्त को शादी करवा कर देने के बहाने सैम अपने साथियों के साथ युवक से मिला। सैम और उसके साथी रात 8 बजे युवक और उसकी प्रेमिका को कार में बिठाकर एक फार्म हाउस में लेकर गए। दोनों को अलग अलग कमरे में बंधक बनाया और इसी दौरान सैम युवक की पिटाई करने लगा। उसने युवक से 8,000 रुपए छीन लिए और दूसरे दिन उसने युवक को उसे अगवा किए जाने का बताकर 12 लाख रुपए की फिरौती देने को कहा। रुपए नहीं होने पर पिटाई करके युवक और उसकी प्रेमिका को छोड़ दिया। युवक ने सदर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने हफ्ता वसूली और अपहरण का मामला दर्ज कर सैम को गिरफ्तार किया है। याच्यामध्ये 22-23 तारखेच्या दरम्यान जे कपल राजस्थानवरून नागपूरमध्ये आलं होतं, त्याच्यामध्ये एक आंतरधर्मीय विवाह त्यांना करायचा होता। त्याच्या अनुषंगाने काही आरोपींना अशी माहिती मिळाली की मुलगी ही एका धर्माची असून मुलगाही वेगळ्या धर्माचा आहे। त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी जे आहे ते सर्व आरोपींनी मिळून त्या दोघांना त्या ठिकाणावरून शहरापासून 25-30 किलोमीटर अंतरावर एका शेतामध्ये घेऊन गेले। त्या ठिकाणी त्यांना रात्रभर ठेवण्यात आलं। त्यानंतर एक दिवसानंतर रात्रीनंतर त्या मुलाची सुटका करण्यात आली। त्याच्या अनुषंगाने आपल्याकडं त्या मुलाच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये समीर उर्फ श्याम खान यास अटक केलेली आहे। इतर 4 आरोपी अद्याप फरार आहेत। याच्यामध्ये जे ओळख जो महत्त्वाचा जो श्याम खान आहे याची ओळख रेल्वेमध्ये झाली होती, तेव्हाही त्या जो आरोपी आहे त्याने आंतरधर्मीय विवाहासाठी मदत केली होती। त्याच्या अनुषंगाने सुद्धा या जो फिर्यादी आहे त्यालाही असं अपेक्षा होती की हा मला हेल्प करेल, पण या ठिकाणी त्याचं अपहरण करून त्याला 2 दिवस ठेवण्यात आलेलं होतं। याच्यामध्ये कोणकोण सहभागी आहे, कोणाच्या व्हेकल वापरले आहेत, कुणी व्हिडिओ बनवले आहेत किंवा त्याच्या अनुषंगाने कुणी त्याला मदत केलेली आहे आरोपींना, त्या अनुषंगाने आरोपी वाढू शकतात। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।